अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो अदनान cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैर अशरफ है। इन ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो इफ एल्स कंडीशंस कैसे काम करती हैं। अगर हमारे पास कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं और हमने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस पर उन ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ बुलियन कंडीशंस होती हैं, अगर वो ट्रू होंगी तो कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर वो फॉल्स होंगी तो कोई और ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम ज़रा इसको करके देखते हैं। हम चलते हैं अपने IRD मोड में। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ नेम, और उसमें मैं नेम रखवा लेती हूँ, अपना ही नेम हम रख लेते हैं, रेडियो रेजो भी हमने कोई नेम रखा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि इफ नेम इक्वल टू जो भी, तो मेरे पास जो है वो, चूंकि यहाँ पर हमारे पास कोई इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है तो हम सिंपल उसको कहीं पर भी इंडेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रिंट हो जाना चाहिए दिस इज ट्रू नेम, और मेरे पास जो है वो एंड हो जाना चाहिए इसके बाद, और मेरे पास कुछ भी और अपियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चूंकि मेरा नेम जो था वो जुबी ही था तो मेरे पास ये प्रिंट हो गया कि दिस इज अ ट्रू नेम, और उसके बाद मेरे पास और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, नेम प्रिंट हो गया है। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया क्योंकि मेरा नेम जो था वो ट्रू था। उसके अलावा हम ज़रा थोड़ा सा नेम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं हम कुछ भी नेम रख लेते हैं, लेट्स अली हम नेम रख लेते हैं, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास फिर ये रॉन्ग नेम हो जाना चाहिए। अब हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं एल्स की, क्योंकि अगर हमारे पास नेम ट्रू नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ी एक एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। एल्स अब हमारे पास क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, पुट एस दिस इज नॉट ट्रू ट्राई अनदर। ठीक है, हम ये कर लेते हैं और उसके बाद हम एंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा दिस इज नॉट ट्रू ट्राई अनदर, क्योंकि हमारा जो नेम था वो अली नहीं था और हमारे पास कोई और नेम था, इस वजह से हमें कहा गया कि हम कोई और ट्राई कर लें। तो इस तरह से हम इफ एल्स को के अलावा हम इफ एल्स इफ एल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इससे कोई लेके चलते हैं इफ नेम इक्वल टू, हम कर देते हैं जैसे हम नेम रख लेते हैं भी, और उसके बाद हम कहते हैं कि पुट एस दिस इज ट्रू नेम क्या। और उसके अलावा अब हम उसके बाद करते हैं अपनी एल्स इफ की कंडीशन। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं एल्स इफ की। एल्स इफ के साथ हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन आती है तो हम वो लिख लेते हैं नेम इक्वल टू अली। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा करते हैं पुट एस दिस इज नॉट ट्रू नेम। अब हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं, कहते हैं दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हमारे पास एल्स प्रिंट होना चाहिए। तो एस में हमारे पास कुछ और पुट एस की स्टेटमेंट होगी कि अब ये भी ट्रू नहीं है और हम कुछ और कोई और नेम ट्राई करते हैं, और उसके बाद हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास नेम इक्वल टू इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटी सी वो जो मिस्टेक की है हम पहले उसको देख लेते हैं। हम जरा अपनी इसी कमांड्स को दोबारा से रन करते हैं। अब हमारी दूसरी कमांड ये ट्रू नेम है। देन एल्स इफ। अब हम यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाएंगे कि जब भी हमने कोई चीज़ एक्जैक्टली मैच करनी होती है तो हम उसके लिए डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद हम एल्स एल्स लगाएंगे एल्स। एल्स के बाद हमारे पास एक और पुट स्टेटमेंट आएगी
है, और उसके बाद हम एंड कर देते हैं अपने स्टेटमेंट को। तो आप देखिए कि हमारे पास अब जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है इसमें से। तो इस तरह से हम जो है वो बुलियन वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस को अपनी कंडीशंस में। और कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं कोई भी बुलियन कंडीशन, जिसमें हम अपने ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।